أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم माजी कुजीन यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ। आज माजी कुजीन में बहुत जबरदस्त सर्दियों के हवाले से ये सालन बनाना बता रही हूँ। आज हम बना रहे हैं, ये है हमारे पास माश की दाल के साथ पालक। ये बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। पानी में मैंने हल्दी और थोड़ा सा अदरक डाला है। इसमें पानी बॉईल होना शुरू हो गया, इसमें मैं माश की दाल डाल दूंगी। इधर हाफ कप मैंने ऑयल लिया, इसमें मैं प्याज को फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया था, एक प्याज को मैंने रफली चॉप कर दिया, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये माशाल्लाह से भी डिलीशियस बनती है। इसमें एक तड़का भी जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्याज हल्का सा हमने सोते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। क्यों नहीं, हमारा प्याज हल्का सा सोते हुए हो जाएगा, इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसमें एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हुआ, वो इसमें ऐड कर दूंगी। फिर इसमें मैंने, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने 5-6 लेके उनको पीस लिया, एक अदर टमाटर है, और ये मेरे पास एक टी स्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और ये है मेरे पास सूखा धनिया सफेद जीरा कुटा भुना हुआ। बस इसमें ज्यादा मसाले नहीं जाते, ये बहुत टेस्टी बनती है। इधर हमारी दाल माशाल्लाह से पक रही है, इधर हम इसको अच्छी तरह से, ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें फिर पालक डाल दूंगी। तो ये दोनों हल्की आंच में मजे से पकेंगी। फिर उसको दोनों को हम मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से तड़का लगा के, या मक्खन का तड़का लगाएं या देसी घी का तड़का लगाएं, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनती है। प्याज माशाल्लाह हमारा सोते हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह प्याज अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के लिए मैंने फ्रेश मेथी ली हुई है। आप जो है ना कसूरी मेथी भी ले सकते हैं। उस जब भी पालक बनाए मेथी को जरूर इस्तेमाल किया करें, इससे इसका अरोमा जो है ना, वो कहते हैं इनहेंस हो गया, बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट है और टमाटर है, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये माशाल्लाह से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। साथ में इसमें भी जो मैंने कुछ ड्राई मसाले हैं वो इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा हो चुका है रोस्ट, अब इसमें मैंने ये पालक डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1 kg के करीब मैंने पालक ली थी और मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब माश की दाल है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करके मैं इसमें ज़रूर के मुताबिक बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी। अबल तो जो पालक होती है ना, वो अपने ही पानी में हो जाती है टेंडर। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे। उधर हमारी दाल पक रही है, इधर हमारी पालक पक रही है। जब दोनों चीज़ें टेंडर हो जाएंगी, फिर हम इस पर एक फाइनल तड़का लगाना है, मक्खन से लगाएं या देसी घी से। तो बस इसे मैं रखने लगी हूँ, फिर दोनों चीज़ें टेंडर हो जाती हैं, फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। माशाल्लाह हमारी पालक बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है, माश की दाल भी टेंडर हो चुकी है। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया, अब इस स्टेज में इसमें डाल दूंगी। इस स्टेज पे जब हम अच्छी तरह से दाल और पालक को मिक्स कर लेंगे, ये मेरे पास होम घर की भलाई और 2 टेबलस्पून भलाई 2 टेबलस्पून योगर्ट है, वो इसमें डाल देंगे। हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह सालों का क्लास तैयार हो चुका है, हमारा तड़का भी तैयार हो चुका है। मैंने हरी मिर्ची है और रेड वाली सुरख वाली लिया, जीरा लिया और अदरक लिया। इसको मैं क्या करी, मैंने घी और देसी घी और मक्खन का मैंने तड़का लगाया, वो हम जब प्रेजेंटेशन बड़ा कौन करती है, जब आप ये डालें इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत लजीज तैयार हुआ है हमारा सालन पालक और माश की दाल का। आप और आपने क्या करना है, और आपने अपनी जबानों को अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से ता रखा करें और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुआ सलाम की कसरत करें, ताकि हमारी जिंदगी में बहारें आ जाएं और आखिर में भी उनकी शफात हमारा मुकद्दर बने। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल माजी कुजीन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की हेल्दी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।